प्रणाम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाक विधि में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 6 प्याज लेना है। प्याज को बढ़िया से छील करके धो लेना है। अब प्याज को इस तरह से पतला पतला काट लेना है। तो प्याज को बिल्कुल इस तरह से पतला पतला काट करके रख लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर। तो टमाटर को इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पर प्याज और टमाटर को काट लिए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 कप बेसन, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। मसाला डालकर मैं सभी चीज़ को बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेसन और प्याज को बढ़िया से सान लेना है। तो इसमें 1/2 कप और बेसन डाल देना है और इसको बढ़िया से सान लेना है। अब लोहिया में तेल गर्म होने के लिए रख देना है। जब तक तेल गर्म हो रहा है, इस तरह से टिकिया बना लेना है। तो तेल गर्म हो गया है, अब इसमें 1-1 करके टिकिया बना करके डाल देंगे। तो तेल में जितना टिकिया आसानी से आ जाए उतना ही डालिएगा, नहीं तो उल्टाने पलटाने में परेशानी होगी। डाल कर इसे दूसरे साइड पलट देना है। अब आँच को धीमी कर दीजिएगा। अब मैं इसे दूसरे साइड पलट देती हूँ। तो देखिए, दोनों साइड से बढ़िया से पक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक बार और बना करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से टिकिया बनाना है और तेल में डालते जाना है। डालकर इसे दूसरे साइड पलट देना है। इसे फिर से दूसरे साइड पलटा देना। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। बाकी सभी कचौड़ी को इसी तरह से बना करके रख लेना है। तो चलिए, अब हम ग्रेवी बनाते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल छोड़ के बाकी सभी तेल को निकाल लेना है। अब इसमें 1 चम्मच पचफोरना, 2 बारीक कटा हुआ प्याज और 2 बारीक कटा हुआ टमाटर को डाल देना है। तब तक फोरन पक रहा है, चलिए हम बेसन का घोल तैयार करते हैं। तो 1 बड़ा कटोरा में 1 कप बेसन डालेंगे और 1 कप पानी। पानी डालकर हम बेसन को बढ़िया से घोल लेंगे। अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच दही डालेंगे। दही डालकर हम इसको बढ़िया से फेंट लेंगे। तो हम इसको बढ़िया से फेंटेंगे, नहीं तो इसमें गांठ आ जाएगी। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, सभी मसाला डाल करके चम्मच से बढ़िया से घोल लेंगे। तो फोरन भी पक गया है, अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। मसाला डालकर हम इसको चलाते हुए 3 मिनट तक पकाएंगे। तो हम इसको चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगी। तो मसाला भुन गया है, अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। तो हम इसमें 1 बड़ा कटोरा पानी डाले हैं, तो उसके अनुसार इसमें 2 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे, यानी स्वाद के अनुसार। अब हम इसको खदकने के लिए छोड़ देंगे। तो हम इसको 5 मिनट तक खदकाएंगे। तो 5 मिनट हो गया है, अब हम इसमें कचौड़ी डाल देंगे। कचौड़ी डालकर हम इसको 3 मिनट तक पकाएंगे। कढ़ी बन गया है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो।